पार्टी का दबदबा बाकी रहता है। चेहरे चेंज होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टी की पोजीशन ख़राब नहीं होती। तमाम पार्टियों की तरफ से दावतनामा आता है कि भाई हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ। इस पार्टी की तरफ जाना है बोले तो हम उनकी बात को लबैक करेंगे। बीजेपी के आइडियोलॉजी, बीजेपी का तरीक़ा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस का तरीका, जेडीएस की आइडियोलॉजी और जेडीएस का तरीका। जेडीएस को तो सेकुलर नाम लगा है, कांग्रेस सेकुलर नाम लगा है तो सेकुलर काम करने के लिए तैयार कहाँ है? और मिल्लत के काम के लिए अगर कोई पार्टी अच्छी है तो हम उस तरफ रुख लेंगे। हमारा ऐसे रूमर्स हो रहे हैं कि रहीम साहब फिर से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और कांग्रेस में ज्वाइन होने वाले हैं। देखिए, कई कयास लगाते हैं कि वे वर्कर की हर पार्टी में इज्जत रहती है, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, जो लोगों में हर वक्त ठहर के शाहना बशाहना उनके खांदे से काम करने वाले जो वर्कर रहते हैं, उनको तमाम पार्टियों की तरफ से दावतनामा आता है कि भाई हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ। अब हम ये सोचते हैं कि जो हमारा जो सर्कल है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमारे गुलबर्गा के अंदर हो या फिर ताल्लुकों के अंदर, फिर और अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे चाहने वाले हैं, वो हमको बोलेंगे कि ये पार्टी आपके लिए बेहतर है, हम लबैक कर उस पार्टी के अंदर फिर कदम जमाएंगे। जब आप गुलबर्गा शहर के MIM के सदर थे, पार्टी काफ़ी उरूज में थी, आए दिन ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी होते थे, पर अब कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। क्या गुलबर्गा शहर से MIM पार्टी ख़त्म हो रही है? नहीं, देखिए मोहसिन साहब, आप जो बोल रहे हैं कि पार्टी का हमेशा वजूद बाकी रहता है, पार्टी का दबदबा बाकी रहता है, चेहरे चेंज होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टी की पोजीशन ख़राब नहीं होती। पार्टी को चलाने वाले ख़राब हो सकते हैं, पार्टी को चलने वाले ख़राब हो सकते हैं, मगर पार्टी ख़राब नहीं हो सकती। पार्टी का एक अपना स्टैंड रहता है, पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी रहती है। तो उस वक्त हम जैसे हाईकमान से जो डायरेक्शन आते थे, हम उन्हों जो डायरेक्शन हमको देते थे, उस डायरेक्शन पर हम दो कदम आगे चल कर काम करते थे। आज वैसी बात नहीं है, इसीलिए थोड़ा पार्टी का ग्राफ थोड़ा धीमे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि फिर वक्त ऐसे हालात बनेंगे इंशाल्लाह, फिर पार्टी का वलवला इतना उरुज पाएंगे पार्टी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अगर MIM अगर आपको अप्रोच होती है, MIM आपको फिर से वापस लाने के लिए अगर MIM आपको प्रपोजल रखती है कि भाई रहीम सेठ हमारी MIM पार्टी से लड़े और MIM पार्टी में शामिल हों, तो क्या आप वापस जाएंगे MIM? देखिए, मैं अभी आपको उससे पहले अल्फाज बोला कि भाई हमारे जो साथियाँ, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो मुझे इस पार्टी के तरफ आपका रुख रहना, इस पार्टी के तरफ जाना है बोले तो हम उनकी बात को लबैक करेंगे। अगर वो MIM में चले जाओ बोले तो इंशाल्लाह हम लबैक करके MIM में जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी यानी क्या, क्या आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी कैसी होनी चाहिए? क्या पार्टी किस तरीके से लोगों की खिदमत करना चाहिए? क्या आपका अंदाज़ा नज़रिया है पार्टी को, कोई भी पार्टी? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि भाई बीजेपी के आइडियोलॉजी, बीजेपी का तरीक़ा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस का तरीक़ा, जेडीएस की आइडियोलॉजी और जेडीएस का तरीक़ा। अब हमारे पास दो पार्टी है कि एक जेडीएस, एक कांग्रेस। ये लोग अपने आप को सेकुलर वोट का दावा करते हैं, सेकुलर वोट मांगते हैं, मगर वक्त आने पे सेकुलर वोट लेकर सेकुलरिज्म को कायम नहीं रखते। वो आज भेदभाव कर रहे हैं पार्टियां, क्योंकि इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमको जमात समझ में आ रही है, हमारी हकूक़ और कौम और मिल्लत की, कौम और मिल्लत के हकूक़ के लिए और कौम और मिल्लत के काम के लिए अगर कोई पार्टी अच्छी है तो हम उस तरफ रुख लेंगे। हमारा उस तरफ जाकर उस पार्टी का काम करेंगे। रहीम साहब, पॉलिटिक्स अगर आप फिर से ज्वाइन करते हैं तो ख़ास करके क्या करना चाहेंगे लोगों की भलाई के लिए? देखिए, आज तो फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो चुके हैं, जो आज जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, आज फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। हालात इतने साजगार हैं लॉकडाउन की वजह से, ये पेंडेमिक जो आकर इतना परेशान कर दिया है बड़े बड़े फैमिलीज़ को भी और मिडिल क्लास के भी और लो फैमिली को भी। तो मैं आज गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट आज इन परिवार को सुविधा नहीं दे रहे उस तरीके के।
तो बस जल्द इस गवर्नमेंट का खात्मा होगा, फिर एक मरतबा नई गवर्नमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह जब हालात साजगार होंगे शहर के वतन के, हम ये चाहते हैं। गुलबर्गा शहर की माइनॉरिटी नाराज़ है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि जो माइनॉरिटी को लेकर काम होना है वो काम नहीं हो रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे पास जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो नुमाइंदगी सही तरीके से नहीं हो रही। वो इसलिए सही तरीके से नहीं हो रही, आज मतलब रह गया नुमाइंदगी में, पहले बेमतलब था। सिर्फ मतलब का काम क्या था बोले तो अपनी कम्युनिटी को, अपनी कौम को, अपनी मिल्लत का काम करना, वही इम्पोर्टेंट था। आज वो नहीं है, अपने लिए काम करना, कौम और मिल्लत के लिए काम नहीं करना, ये फ़र्क आ गया आप सियासत में। तो उस वक्त की सियासत कैसी थी कि भाई सबसे पहले अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी कौम मिल्लत, ये चीज़ थी। आज वो चीज़ नहीं है, पहले हम तो बाद में कौम और मिल्लत, ये बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं। और ये तरीक़ेकार भी चेंज होते जा रहा है वक्त जैसा बदलते जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त चेंज हो रहा है, आप आने वाले दिनों में ऐसे नुमाइंदे को जिताइए कि भाई वो कौम और मिल्लत के हकूक़ की लड़ाई लड़ना, कौम और मिल्लत की इज़्ज़त, कौम और मिल्लत के हकूक़ के लिए जब भी बुरा वक्त आता है वो आकर गवर्नमेंट से फाइट करने वाले नुमाइंदे को जिताना हमारी है। देखिए, कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी कहलाती है, जेडीएस भी सेकुलर पार्टी कहलाती है, तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी बेहतर है जो माइनॉरिटी को लेके काम करेगी? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई जेडीएस को तो सेकुलर नाम लगा है, कांग्रेस, आप बताइए ये लोग सेकुलर नाम लगा है फिर सेकुलर काम करने के लिए तैयार कहाँ हैं? आज सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान भर में अगर कोई काम करें माइनॉरिटी के, बैकवर्ड के और तमाम कम्युनिटी के, जो गंगा जमुना तहजीब को लेकर चलने का काम जो कर रही है वो सिर्फ MIM कर रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस सेकुलर के नाम पे वोट लेते हैं, सेकुलरिज्म बताते हैं मगर कोई काम नहीं कर रहे। आप उनके प्रेसिडेंट DK शिवकुमार साहब देख रहे हैं आप, कि लास्ट टाइम किसी को हिजाब के ऊपर बयान देने नहीं दिए, आज तक रुके हुए हैं। कोई आप माइनॉरिटी का कोई लीडर हिजाब पे बयान नहीं दे रहा, मोहतरमा दिए उसके बाद मोहतरमा बंद कर दिए बयान देना। तो मैं समझता हूँ कि हिजाब की लड़ाई लंबी है, ये हम प्यार से लड़ना है, ना कि ज़िद में आके लड़ना है। इस चीज़ के लिए हम संभाल के जाना है कि कौम की एकता अखंडता बाकी रखें, गंगा जमुना तहजीब बाकी रहें। और हम उस कौम को, उस कम्युनिटी को भी अपील करते हैं कि आप शिद्दत पसंद मत करिए। मैं उन तमाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो लोगों से अपील करता हूँ कि ये भेदभाव ना रखें और एक दूसरे के साथ ना लड़ें। एक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है, उसके टुकड़े ना करें, उस चिड़िया को कायम रखें और अपनी गंगा जमुना तहजीब को कायम रख कर हम एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। सब मिलकर हम इस हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर देखना। तो ये हमारी सोच अच्छी रखें, ये एक दूसरे को लड़ने से हमको भी तकलीफ़ है, सामने वाले को भी तकलीफ़ है, कोई कम्युनिटी सुकून में नहीं रहती। तो ये हमारा मैसेज है कम्युनिटी के लिए, ऑल तमाम मज़हब के लोगों को यही हमारा मैसेज है कि भाई आप एक दूसरे के साथ रहें, गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखें और इस वतन को बहुत खूबसूरत बनाना। रहीम साहब, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपकी नज़र में बेहतर कौन सी पार्टी होगी? देखिए, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हम जिस कम्युनिटी से हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड कम्युनिटी को लेकर चलने वाली पार्टी, उसके लिए हम काम करेंगे। वो आप बेहतर जानते हैं कि वक्त आने पे वो पार्टी का नाम भी आएगा, वो पार्टी के अंदर रहेंगे और पार्टी का काम भी करेंगे।